हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योगा तक। आज हम देखेंगे एक और स्टैंडिंग पोस्चर जो कि एक बिगिनर आसन है, एक बिगिनर पोस्चर है जिसका कि नाम है उत्थिता पार्श्वकोनासना। उत्थिता यानी स्टैंडिंग, पार्श्व यानी कि साइडवेज एंड कोन यानी कि एंगल एंड आसना इज द पोस्चर। सो इट इज़ अ साइड वे एक्सटेंडेड एंगल पोस्चर। सो लेट्स सी हाउ वी गेट इनटू द पोस्चर। पार्श्वकोनासना के लिए समस्थिति से राइट साइड में इस तरह से ओपन करें, अपने आर्म्स को वाइड ओपन और फीट को पैरेलल रखें। फिर धीरे से अपना राइट फुट आउटसाइड एक्सटर्नली रोटेट करें, फीमर पे थोड़ा टेंशन को महसूस करें और लेफ्ट फुट को इस तरह से 45 डिग्री में रोटेट करें और अपने राइट नी को धीरे धीरे इस तरह से बाहर की ओर स्पिरल करेंगे। You can make adjustment between the distance of the two feet and make sure कि आपका knee आपके feet से बाहर की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह से जो आपका शीन है वो totally floor से perpendicular रहेगा and your right thigh will be parallel to the floor. That is the key point in this asana. Then you place your right hand on the floor next to the feet और इस वाले हाथ को बाहर की ओर अपने शोल्डर और ईयर के पास इस तरह से ले जाएं और पूरा खिंचाव अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप्स से अपने फीट तक महसूस करें ऑन द साइड। पार्श्वकोनासना इज़ अ बिगिनर पोस्चर क्योंकि आपके लिम्स को सॉफ्टन करता है, आपको सब्सिक्वेंट पोस्चर्स के लिए प्रिपेयर करता है एंड एट द सेम टाइम आपके एब्डोमिनल्स में एक्टिवली काम करता है। तो आपके एब्डोमिनल जो फैट है, अगर किसी भी तरह का फैट है तो उसको ये डिसॉल्व करता है। सो इट्स एन एक्सेलेंट पोस्चर टू एक्टिवेट द ऑर्गन्स, लेंथन योर स्पाइन। इट्स वर्किंग ऑन योर रिस्ट, ऑन योर थाई, ऑन योर शीन, ऑन योर एंकल, ऑन योर हिप्स एंड ऑल्सो ऑन योर शोल्डर्स। अपने लेफ्ट आर्म की तरफ, अपने फिंगर टिप्स की तरफ अपनी विजन को सेंटर करें। फील द स्ट्रेच, स्टे फॉर 5 लॉन्ग ब्रेथ्स एंड विद द स्ट्रेंथ ऑफ योर कोर एंड योर लेग्स कम बैक, रिटर्न टू योर सेंटर एंड रिपीट ऑन द अदर साइड। अपने लेफ्ट फीट को इस तरह से रोटेट करें, राइट फीट को 45 डिग्री में। विद एन एक्सहेल बेंड योर नी, लेफ्ट आर्म अपने लेफ्ट फीट के बगल में रखें और अपने राइट हैंड को धीरे से सीलिंग की तरफ इस तरह से ले जाएं साइडवेज एंड अपनी विजन को अपने फिंगर टिप्स पे सेंटर करें। कीप ब्रीदिंग, फील द स्ट्रेच कंप्लीटली ऑन योर राइट साइड, ऑन योर शोल्डर, ऑन योर नेक। कीप ब्रीदिंग। Come back to your center and return to samasthiti. Parshvakonasana is also helpful in treating osteoporosis and any menstrual discomforts amongst women. And also one more thing to note here is that it is not recommended for people with high blood pressure. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।